गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपने विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध ज्ञात कर लिया था और उससे संबंधित अपन ने एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे। आज बेटा हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक शैतुल्य वक्र। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, बीच में से इसमें कुछ टॉपिक हटा दिए। चुंबकीय जो पदार्थ है उनका वर्गीकरण, तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं अपन, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और पैरा चुंबकीय पदार्थ। कुछ इस तरह से तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं जिनको सिलेबस से हटा दिया गया है। आज हम बात करेंगे शैतुल्य वक्र की, BH कर्व की, ठीक है ना। शैतुल्य वक्र या BH कर्व या BH वक्र क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वक्र ही पूछ लेता है एक नंबर में, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपने पास एक परिनालिका होती है, अपने पास क्या होती है, एक परिनालिका, ठीक है ना। डायग्राम देख लेते हैं उसका, या अपन सीधे वैसे बात करें परिनालिका की, अक्ष पर एक अपन ने लोहा चुंबकीय पदार्थ या कोई भी चुंबकीय पदार्थ रख दिया, ठीक है, और फिर परिनालिका में हमने धारा प्रवाहित करी, तो आपका जो पदार्थ था चुंबकीय जो पदार्थ है वो धीरे धीरे चुंबकित होता है, ठीक है ना। कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास एक परिनालिका होगी और उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक है। तो तब परिनालिका के अक्ष पे कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो लोहा चुंबकीय पदार्थ या जो चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकित होने लगता है। तो उस स्थिति में बी और एच के मान कैसे चेंज होते हैं, उस ग्राफ को बोला जाता है BH वक्र। उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए या किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए परिभाषा, अगर आपसे पूछे शैतुल्य वक्र या BH वक्र की तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए, चुंबकीय पदार्थ के लिए बी चुंबकीय सेक्टर और एच चुंबकन सेक्टर, बी व एच के मध्य ग्राफ को शैतुल्य वक्र कहते हैं, शैतुल्य वक्र कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए बी व एच के मध्य ग्राफ को शैतुल्य वक्र कहते हैं, ठीक है ना। अपन एक्स एक्सिस पे एच लेंगे चुंबकन सेक्टर एम्पियर पर मीटर जिसका मात्रक होगा, और वाई एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है ना। इधर माइनस में एच और इधर में माइनस में बी। देखो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट करना है, जैसे जैसे परिनालिका में हमने क्या किया, परिनालिका ली और उसकी अक्ष पर एक चुंबकीय पदार्थ एक छड़ रख दी हमने, चुंबकीय पदार्थ की कोई छड़ रखती है जैसे लोहे की छड़ रखती। उसके बाद हमने क्या किया, परिनालिका में धीरे धीरे धारा का मान प्रवाहित किया। तो जैसे जैसे अपन धारा का मान बढ़ाएंगे परिनालिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और एच का मान भी बढ़ेगा। जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ओ से स्टार्ट हुआ यहां पे पॉइंट ले लिया ए और मान लो यहां बी तक बढ़ा। जैसे जैसे आपने आई का मान बढ़ाया परिनालिका में, जैसे जैसे आपने आई का मान बढ़ाया परिनालिका में, बी और एच इस तरह से कर्व के रूप में बढ़े, ठीक है ना। पहले बढ़े फिर थोड़ा सा एच ज्यादा बढ़ गया बी कम बढ़ा, इस तरह से स्थिति आई और बी बिंदु तक मतलब एक निश्चित मान तक बढ़े। उसके बाद फिर आपका बी और एच जो है ना वो बढ़ना बंद हो गया, मतलब बी तक बढ़े। इसको संतृप्त बिंदु बोला जाता है, सैचुरेशन पॉइंट। बी आपका कौन सा पॉइंट हुआ, सैचुरेशन पॉइंट। तो स्थिति क्या हुई कि जैसे जैसे हमने धारा का मान बढ़ाया था परिनालिका में, तो बी और एच एक तरह से रेखीय रूप में इस तरह से बढ़े, थोड़ा सा वक्र के रूप में, तो ग्राफ हमारा ऐसा बिना बना ओ ए बी, हमने परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करी। अब उसके बाद हमने क्या किया, धारा का मान घटाया, धारा का मान क्या किया, घटाना शुरू किया। पहले धारा का मान बढ़ाया था फिर धारा का मान घटाना शुरू किया, तो चुंबक जो परिनालिका की एक्स है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटा और एच का मान भी घटा, इस तरह से, ठीक है ना। और एक स्थिति ऐसी आई कि जहां पर बी का मान तो है, इसको हम ग्राफ बोल देते उल्टा चले ना इस दिशा में बी और इसको बोल दिया सी, बिंदु सी पर सारे बिंदु सबकी बात कर लेते हैं, बिंदु जो बी है उसको बोलेंगे संतृप्त अवस्था। वो कौन सी अवस्था होगी, संतृप्त अवस्था, कि भाई उसके बाद अगर आप मान बढ़ाओगे तो भी बी और एच के मान नहीं बढ़ेंगे। सी बिंदु पे क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने धारा का मान घटाया, बी से सी तक धारा का मान घटाया,
तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटा और एच का मान भी घटा, पर सी बिंदु पे बी का मान शून्य नहीं हुआ, एच का मान शून्य है। बिंदु सी पे आपका जो एच है वो तो शून्य है और बी शून्य नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू शून्य। बी का मान कितना है? ओ सी इतना मान है, जो भी धनात्मक मान होगा। इस बिंदु को बोला जाता है धारणशीलता, ये बिंदु सी की जो है वो धारणशीलता, रिटेंटिविटी। इस पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र है या सी वाली स्थिति है, इसको धारणशीलता बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय या जो भी हमारा चुंबकीय पदार्थ है उसकी धारणशीलता कहलाती है, धारणशीलता, रिटेंटिविटी अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। तो अब इस धारणशीलता की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर आप इनसे केवल धारणशीलता की परिभाषा ही पूछे हमसे, तो हम धारणशीलता को कैसे परिभाषित करेंगे? सैतुल्य वक्र या किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए या चुंबकीय पदार्थ के बी एच वक्र में बिंदु सी पर एच बराबर शून्य जबकि बी इज नॉट इक्वल टू शून्य है, इस अवस्था को धारणशीलता कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इस अवस्था को धारणशीलता कहते हैं। सी बिंदु पे जबकि आपका एच का मान तो शून्य है, चुंबकन सेक्टर शून्य हो गया जबकि चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी है, तो जो हमारा चुंबकीय पदार्थ था उसके लिए एच का मान शून्य हो गया बट बी उसके लिए जीरो नहीं हुआ। अब उसके बाद हमने क्या किया कि परिनालिका में हमने विपरीत धारा में दिशा प्रवाहित की, परिनालिका में जो धारा की दिशा थी वो परिवर्तित कर दी, और धारा की दिशा परिवर्तित करने के बाद हमने धारा की दिशा परिवर्तित कर दी, पहले कुंडली में जैसे मान लो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी तो अब हमने इधर से धारा प्रवाहित करी दूसरी दिशा से, और फिर धीरे धीरे हमने धारा का मान बढ़ाया, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया तो हमने देखा एच का मान बढ़ा और बी का मान घटा। एच का मान क्या हुआ, एच का मान तो बढ़ा और बी का मान घटा, एच का मान बढ़ा और बी का मान घटा। बिंदु डी पर हम कहां पहुंच गए, बिंदु डी पर, डी बिंदु पर देखो ध्यान से, डी बिंदु पे बी का मान शून्य है जबकि एच का मान शून्य नहीं है। बिंदु डी पे अब उल्टा हुआ, बी का मान शून्य है जबकि एच इज नॉट इक्वल टू शून्य। हमने परिनालिका में धारा की दिशा विपरीत करके धीरे धीरे धारा का मान बढ़ाया तो हमें पता चला एच का मान बढ़ा माइनस में और बी का मान घटा, और बिंदु डी पे बी का मान शून्य हो गया, एच शून्य नहीं हुआ। इस अवस्था को बोला जाता है निग्राहिता, निग्राहिता क्यूरेसिविटी, निग्राहिता अर्थात किसी चुंबकीय पदार्थ के बी एच वक्र में बिंदु डी पर एच का मान शून्य नहीं है, बी का मान शून्य है, इस अवस्था को निग्राहिता कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। बिंदु डी पे बी का मान शून्य है जबकि एच का मान शून्य नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर धारा का मान बढ़ाया माइनस में ही, आगे बिंदु डी ऐसा आया उसके बाद फिर से हमने धारा का मान बढ़ाया विपरीत दिशा में, तो हमारा एच का मान भी बढ़ा और बी का मान भी बढ़ा, माइनस में बढ़ा और घटा नीचे, यहां तक तो प्लस था, ठीक है ना। अब आपका बी का मान घटने लग गया नीचे, ठीक है ना, और एक स्थिति ऐसी आई कि ई बिंदु पे जाके संतृप्त अवस्था आ गई, फिर से ई बिंदु पे क्या आ गई, संतृप्त अवस्था, संतृप्त अवस्था। ई बिंदु के बाद फिर बी और एच बढ़ना बंद कर देते हैं, इसके बाद बी और एच दोनों नहीं बढ़ते हैं, इस अवस्था को बोला जाता है संतृप्त अवस्था। फिर धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, धारा का मान वापिस घटाते हैं विपरीत दिशा में, धारा का मान जैसे जैसे घटाया फिर हमने देखा बी और एच विपरीत दिशा में बढ़ने लगे ऐसे। फिर एक स्थिति आ गई ये वाली ई एफ, एफ बिंदु पे वही कंडीशन हो गई, यहाँ पे आपका एच का मान शून्य है जबकि बी का मान शून्य नहीं है, पुरानी वाली स्थिति सी वाली धारणशीलता वाली। फिर आपने विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाया,
ठीक है ना, वापस विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाया तो आपने देखा कि वापस एक बिंदु हो रहा है, फिर ये वाला EFG, इस बिंदु पर फिर आपका H का मान शून्य नहीं है जबकि B का मान शून्य है, आपका वही आ गया निग्रहिता वाला केस, और फिर आपका कर्व जो है धीरे धीरे धारा का मान बढ़ाया, फिर इस तरह से एक वक्र बनकर रूप धारण कर लेता है, इस तरह से फिर आपका ये कंप्लीट BG, इसको बोला जाता है बेटा शैथिल्य वक्र। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये जो दो स्थितियां मैंने बताई, E वापस संतृप्त अवस्था वाली स्थिति आ गई, फिर F पे आपका फिर से आपका जो है ना H जीरो हो गया, B जीरो नहीं है, फिर स्मॉल G पे आपका B जीरो H जीरो नहीं है, तो वापस वही स्थिति आ जाती है, और इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट होता है, इसे बोला जाता है बेटा शैथिल्य वक्र। इसको क्या बोला जाता है, किसी चुंबकीय पदार्थ का शैथिल्य वक्र या BH वक्र। ठीक है, ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हुआ था, OAB कंप्लीट एक तरह से ये वक्र का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, तो स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, इसमें दो डेफिनेशन भी है, निग्रहिता और धारणशीलता, दिमाग में रखना है, कई बार उल्टा कर देते हैं। धारणशीलता वाली स्थिति में है H का मान शून्य होगा, B का मान शून्य नहीं होगा, निग्रहिता वाली स्थिति में जैसे उल्टा, B का मान शून्य, H का मान शून्य नहीं है, ऐसी दो बार आएंगी स्थितियां, निग्रहिता वाली स्थिति भी दो बार आएगी और धारणशीलता वाली स्थिति भी दो बार आएगी। C और F पे धारणशीलता वाली कंडीशन है और D और G पे निग्रहिता वाली कंडीशन है। अब देखो इस शैथिल्य वक्र से हमें जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें शैथिल्य हानि का पता चलता है, अगर इस वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो शैथिल्य हानि ज्यादा होगी। ठीक है ना, हानि ज्यादा होगी चुंबकीय पदार्थ में, और अगर इसका क्षेत्रफल कम है तो इससे शैथिल्य हानि कम होगी। अब दो पदार्थ लिए, एक तो नरम लोहा लिया हुआ है और एक स्टील लिया, और दोनों के शैथिल्य वक्र चेक करें, और दोनों के शैथिल्य वक्र से पता चला कि किसमें लॉस ज्यादा हो रहा है, किसकी निग्रहिता ज्यादा है, ये सब चीजें चेक करके देखी गई। तो तुलना और देखो कंपैरिजन किस किस के मध्य, स्टील और नरम लोहे के बीच BH वक्र खींचा गया, स्टील और नरम लोहे के बीच जो BH वक्र है वो देखा गया, यहाँ H लिया एम्पियर पर मीटर जिसका मात्रक, और इधर आपने B लिया जिसका मात्रक टेस्ला है। देखो स्टील के लिए जो ग्राफ था, स्टील के लिए जो ग्राफ था, सॉरी नरम लोहे के लिए, ये नरम लोहे के लिए देखा गया। ठीक है ना, ये जो ग्राफ है ये नरम लोहे के लिए, और स्टील के लिए जो था ग्राफ वो ये था। ठीक है ना, ये ग्राफ आपके स्टील के लिए, दो में तुलना करके देखिए क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, स्टील वाले। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो नरम लोहे में शैथिल्य हानि कम होगी और स्टील में ज्यादा होगी। ट्रांसफार्मर की जो प्लेट्स होती है वो नरम लोहे की बनाई जाती है, यही कारण है कि उसमें शैथिल्य हानि कम होती है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम है, जिसका वक्र का क्षेत्रफल कम होगा उसमें शैथिल्य हानि कम होगी। अब मैं आपसे निग्रहिता की और धारणशीलता की बात करूं, निग्रहिता और धारणशीलता की बात करूं किसकी ज्यादा होगी, पहले हम बात करें धारणशीलता। धारणशीलता आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरम लोहे का शैथिल्य हानि और स्टील से कम क्यों होती है, क्या कारण है कि नरम लोहा ज्यादा जो वक्र है उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो धारणशीलता नरम लोहे की ज्यादा है, धारणशीलता नरम लोहे की ज्यादा है स्टील से, धारणशीलता जो है वो नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से ज्यादा है, नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से ज्यादा होती है, तथा निग्रहिता की बात करें तो निग्रहिता स्टील की ज्यादा होती है, नरम लोहे की कम होती है। तो हम बोलेंगे स्टील की बजाय नरम लोहे के शैथिल्य हानि कम क्यों होती है, एक तो इसका क्षेत्रफल कम होता है, दूसरा धारणशीलता ज्यादा होती है, निग्रहिता कम होती है, इसलिए नरम लोहा ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये तुलना भी आपको आनी चाहिए, वक्र इंपॉर्टेंट है, ये तुलना वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, Q
क्यूरी वाइस का नियम या क्यूरी का नियम और क्यूरी टेम्परेचर, छोटा सा टॉपिक बीच में है, हालांकि वो नियम है अपने को ध्यान में रखना है। और अपने जो चुंबकीय पदार्थों की बात करी वो हमारे सिलेबस से हट गए इसलिए वो नियम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्यूरी वाइस का नियम या क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम बहुत इजी सा नियम है। इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ, हमने तीन प्रकार के पदार्थों की बात करेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए या पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के युद्धक्रमानुपाती होता है, परम ताप के युद्धक्रमानुपाती। क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के युद्धक्रमानुपाती होता है, अर्थात काई एम युद्धक्रमानुपाती टी, काई एम युद्धक्रमानुपाती टी। युद्धक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट लिया जाता है सी, जिसे क्यूरी नियतांक कहा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, क्यूरी नियतांक, काई एम बराबर सी अपॉन टी, काई एम बराबर सी अपॉन टी। क्यूरी वाइस ने जो थोड़ा सा नियम चेंज किया इसमें, तो उसने लिखा था कि काई एम का मान सी अपॉन टी माइनस टी सी, जहां टी क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। अलग अलग चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। क्यूरी वाइस जो नियम था उसमें सी अपॉन टी माइनस टी से, टी तो परम ताप है पदार्थ का और टी से आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये सूत्र ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्यूरी ताप की बात करी जाए, सॉरी टी सी आपका क्यूरी ताप ही है, टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, क्यूरी ताप है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्यूरी ताप को। और इसका मान जो है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, बुक में इसकी टेबल भी बनी हुई है। मैं आगे बताऊं क्यूरी ताप की परिभाषा, क्यूरी ताप क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर टीसी से निर्देशित किया इसको आपने, ऐसा ताप या जिस ताप पर एक लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगे उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। परिभाषा ही पूछता है, क्यूरी का नियम क्यूरी ताप की परिभाषा, जिस ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करे, जिस ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति, ठीक है ना, पदार्थों का वर्गीकरण है, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करे या उसमें बदल जाए, लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, पदार्थ की भांति व्यवहार करे उसे क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं बाकी अगली क्लास में करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखो ध्यान से क्या है, क्यूरी ताप जब इस फॉर एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप का मान दे रखा है 300 केल्विन, एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए, इसी का शॉर्ट एग्जांपल है, टीसी का मान दे रखा है 300 केल्विन, ताप का मात्रा केल्विन होता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 0.4, काई एम का मान 4.4 है, काई एम का मान है 0.4, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दिया हुआ है 0.4, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट का मान पूछा है और टी का मान 420 केल्विन दिया हुआ है, परम ताप जो है वो लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए टी का मान 420 केल्विन दिया हुआ है और आपसे पूछा है सी का मान क्यूरी नियतांक, तो आपके पास ये रहा सूत्र, इस सूत्र में ये सारे मान रख लो आंसर आ गया, इस सूत्र में ये सारे मान रखोगे तो आपका आंसर आ गया। देखो क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये था कि लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप का मान 300 केल्विन है, 300 केल्विन पे आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0.4 दिया हुआ है और परम ताप का मान है 420 केल्विन और आपसे क्यूरी नियतांक सी का मान पूछा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं पूछी, डायरेक्ट आप इसमें मान रखो उत्तर आ गया। सी का सूत्र हो जाएगा काई एम इंटू टी माइनस टी सी, तो सी बराबर काई एम का मान 0.4 टी 420 माइनस 300, उत्तर आ गया 0.4 मल्टीप्लाई 120 बार चौक 48 केल्विन। मात्रक केल्विन ही होना चाहिए क्योंकि जो टी माइनस टी सी का मात्रक होगा वही होगा, काईएम तो विमा ही राशि है। आंसर आया 48 केल्विन जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में इसके बाकी जो न्यूमेरिकल है ना चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में मैक्सिमम जो हमारे बचा हुआ था ना थ्योरी वाला पोर्शन वो कंप्लीट कर लिया और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 बेटा, ठीक है। थैंक यू।